तो हे गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू क्रिएटिव वीडियो। गाइज अगर आप लोग भी एयरटेल 5G एक्टिवेट करना चाहते हैं, गाइज आप लोगों के पास 5G मोबाइल है और आप लोगों के पास 5G सिम भी है, बट आप लोगों से वहां पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आप लोगों को यही नहीं पता कि एयरटेल 5G एक्टिवेट कैसे होगा। तो आज की इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गाइज आप लोग एयरटेल 5G कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और गाइज आप लोग अनलिमिटेड डाटा कैसे यूज कर सकते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को दो बहुत सिंपल स्टेप से बताऊंगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस आप लोगों को बताते हैं कैसे गाइस आप लोग एयरटेल 5G को एक्टिवेट करेंगे, कैसे गाइस आप लोग अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। ऑलराइट, तो जैसे कि गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं एंड गाइस आप लोगों को 5G एयरटेल 5G एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले गाइस आप लोगों को मैं दो ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसकी वजह से गाइस आप लोग अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली सेटिंग होने वाली है, सबसे पहले गाइस आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग को यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर गाइस आप लोगों को सर्च वाले ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे गाइस आप लोगों को सर्च करना सिम। तो जैसे गाइस आप लोग सिम सर्च करेंगे तो टाइप का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी गाइज आप लोगों का एयरटेल का सिम कौन से नंबर में, मतलब सिम में पड़ा है, फर्स्ट में सेकंड में, तो जो मेरा एयरटेल का सिम है वो सेकंड नंबर में पड़ा है, तो यहाँ पे गाइज आप लोगों को टैप करना है। यहाँ पे एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन, एक सेटिंग देखने को मिलेगी नेटवर्क मोड सेकंड के नाम से, ठीक है, यहाँ पर टैप करना एंड जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर टैप करेंगे तो जो आपकी नेटवर्क मोड सिम है यहाँ पर आपको इस टाइप से एक देखने को मिलेगा, तो इस पर टैप करना। और जैसे गाइज आप लोग इस पर टैप करेंगे, अगर गाइज आप लोगों का यहाँ पर LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट पर सेलेक्ट है, सो आप लोगों को 5G पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसा कि गाइज आप देखते हो, जैसे ही आप लोग यहाँ पर 5G पर क्लिक करेंगे तो अभी के टाइम पे गाइज मेरे जो मेरा एरिया है उस पर 5G के नेटवर्क टावर वगैरह नहीं है, इस वजह से मेरा 5G नहीं चल रहा है एंड ऊपर की साइड में आपको एरो देखने को मिल जाएगा 5G का। अगर आप कहीं बाहर, अगर आप मैं बाहर कहीं जाऊंगा तो वहाँ पे मुझे एकदम शो होने लगेगा। मुझे अभी के टाइम पे नहीं शो हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 5G का नेटवर्क एरिया, इस एरिया में नेटवर्क नहीं आ रखा है। बाकी इस टाइप से आपका यहाँ पर ऑटो कनेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद में नीचे की साइड में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एक्सिस पॉइंट्स नेम्स का, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जैसे आप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना जियो सेकंड वाला, ठीक है, एयरटेल आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, एयरटेल इंटरनेट एंड यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा 3 डॉट, यहाँ पर टैप करना। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा रीसेट एंड उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा रीसेट APN सेटिंग्स, सो यहाँ पर आप लोगों को रीसेट पर टैप करना। और जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर रीसेट पर टैप करेंगे तो आपकी APN की सेटिंग जो है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगी एंड आप लोगों के 5G नेटवर्क यहाँ पर इनेबल हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एंड सेकंड सेटिंग गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले गाइस आप लोगों को प्ले स्टोर से जाके एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर इसको आपको इंस्टॉल कर लेना, आपको इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो चलो फटाफट से मैं इसको अपडेट भी कर लेता हूँ, यार ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, बाकी मैं इसको देखता हूँ अगर ओपन हो जाए तो। ये यहाँ पर एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन करता हूँ। तो जैसे देखते हो गाइज मैंने अपने यहाँ पर एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लिया एंड जैसे गाइज आप लोग ओपन करेंगे इस टाइप का इंटरफेस गाइज आप लोगों को शो होगा एंड थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रॉल कर लेना एंड जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे सो नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा 5G प्लस क्लेम अनलिमिटेड 5G डाटा, ठीक है। तो इस टाइप का आप लोगों के सामने इंटरफेस गाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस टाइप से गाइज आप लोगों को यहाँ पर ओपन करना। तो जैसे आप देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा अनलिमिटेड 5G डाटा, ठीक है। इस टाइप से गाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गाइज आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में गाइज आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना एंड जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, दिस इज एन इंट्रोगेटरी ऑफर फॉर आवर कस्टमर टू एक्सपीरियंस हाई स्पीड 5G डाटा, अनलिमिटेड 5G डाटा इज अवर एंड अबाउ योर प्लान लिमिट, अनलिमिटेड 5G डाटा कैन ओनली बी यूज इन 5G नेटवर्क एरियाज, ठीक है। एंड इस टाइप से आपको इनको सबको पढ़ लेना, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिलेगा क्लेम नाउ का, ठीक है। तो जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर क्लेम नाउ पर टैप करेंगे तो जैसे कि गाइज आप देखते हो आपके सामने इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस गाइज आप लोगों को देखने को मिलेगा एंड यहाँ से गाइज आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो जाएगी। जैसे कि गाइज आप लोग देखते हो यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की साइड में आपको मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गाइज आप देखते हो मुझे यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन अनलिमिटेड 5G डाटा विद एयरटेल 5G प्लस इज नाउ एक्टिव, मेरा एक्टिव हो चुका है। एंड उसके बाद में गाइज आप लोगों को यहाँ पर चेक योर 5G रीडिंग या आप लोग चेक वगैरह कर सकते हैं, वरना गाइज आप लोग सीधा यहाँ पर बैक टू शॉप पर टैप कर सकते हैं। तो इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली बैक आ जाएंगे एंड गाइज आप लोग इस टाइप से एयरटेल 5G थैंक्स यानी कि गाइज आप लोग एयरटेल 5G डाटा अनलिमिटेड डाटा इस टाइप से यूज कर सकते हो एंड एयरटेल 5G डाटा एक्टिवेट इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।